सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक स्कैम के बारे में। बहुत ही ज्यादा बढ़ गया ये स्कैम। ग्राइंडर ब्लू या फिर कोई भी गैजेटिंग ऐप अगर आप लोगों ने यूज किया है या फिर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, हो सकता है अगली घटना ये आपके साथ हो जाए। तो हुआ क्या, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। तो हमेशा की तरह मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा था अपने इंस्टाग्राम, ऑफकोर्स, तो मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी, प्लीज़ मैसेज मतलब बात कीजिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसे लोग बोल देते हैं फिर इंपॉर्टेंट बात होती नहीं है, तो मैंने पहले तो इग्नोर किया, फिर उसका आया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं करके। तो मैंने उस बंदे से बात किया, ठीक है। जब मैंने कॉल पे बात किया उससे तो मुझे पता चला कि उसका एक फ्रेंड है, ठीक है, जो कि रोहिणी में रहता है। तो उसके फ्रेंड के साथ में ये घटना हुई है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इस वीडियो को मैं कभी बोलता नहीं, बट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, एलजीबीटी लोगों के साथ में, ताकि जो हादसा इस बंदे के साथ हुआ है कल को वो किसी और के साथ में ना हो जाए। तो जितना हो सके ना इसको शेयर कीजिए। तो उसने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि 24-25 साल का होगा, ठीक है, और गे फ्रेंड है, ठीक है, वो गे है बट वो मैरिड है, यानी कि उसकी शादी हो चुकी है लड़की के साथ में, ठीक है। वो तो देखो फैमिली एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से वो तो अलग मुद्दा है। तो खैर जो भी हुआ, तो एक साल उसकी शादी को हो गए, ठीक है। अब वो बंदा क्या है कि गे है और वो यूज करता है ग्राइंडर ब्लूट गे डेटिंग, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं मैरिड भी, तो वो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। तो एक दिन क्या हुआ उसके फ्रेंड के साथ में, जिसका उसका नाम रोहित था, ठीक है, जिसके साथ में सारी चीजें हुई, रोहित था उसका नाम। तो रोहिणी में ही रहता है। तो उसने क्या किया कि गे डेटिंग ऐप में चैट किया लोगों से, वही ग्राइंडर ब्लू, तो चैट किया और फिर डिसाइड किया मिलने का एक बंदे से, ठीक है। एज यूजुअल हमेशा होता है कि पहले चैट करो, फिर सामने वाला अगर कोई पसंद आ जाता है तो मिल लो, हुकअप वगैरह आप लोग समझ रहे हैं। तो ये हुआ, तो उसका फ्रेंड रोहित है, जो कि रोहित गया मिलने किसी से, ठीक है। तो वो जहाँ पर रोड पर पहुंचा, जहाँ पर मिलने की बात हुई थी, तो वो जो बंदा मिलने आने वाला था वो आया, मतलब कार से आया, फोर व्हीलर से, ठीक है। तो रोहित ने जैसे गेट, उस बंदे ने गेट खोला, रोहित को कहा कि आओ बैठ जाओ गाड़ी में। तो रोहित ने देखा कि एक बंदा और बैठा था पीछे की सीट पे गाड़ी में, ठीक है। तो पीछे भी एक बंदा बैठा था, तो उसके फ्रेंड ने कहा कि ये कौन है। तो उस बंदा जिससे बात हुई थी उसने बोला कि फ्रेंड है, आ जाओ बैठ जाओ। तो रोहित ने बोला कि बात तो आपसे हुई थी ना एक बंदे से, ये दो क्यों है, ठीक है। तो उसने कहा कोई नहीं कोई बात नहीं, ऐसे हाथ पकड़ के रोहित को ऐसे बिठा लिया गाड़ी में, ठीक है, ऐसे ही मतलब मना के कि आप कोई बात नहीं फ्रेंड ही, ठीक है। तो उसका फ्रेंड बैठ गया रोहित, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये चले गए गाड़ी लेके रोड पे, ठीक है। और रोड पे जाके एक सुनसान एरिया आता है, वहां पर गाड़ी को खड़ी कर दिया, ठीक है। तो रोहित ने बोला कि यहाँ पर, क्योंकि हुकअप के लिए ऑफकोर्स ऐसी जगह पे खड़ी होती हैं गाड़ियाँ, तो उसके फ्रेंड ने रोहित के साथ में इन्होंने क्या किया, वहां पर पहुंच कर आगे इन्होंने दो बंदों को और बिठाया गाड़ी में। रोहित ने मना किया कि ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसको दो बंदों को और बिठा लिया जबरदस्ती, यानी कि चार लोग हो गए। अब वो बात हुई थी एक से मिलने की गैजेटिंग ऐप पर, और मिले यहाँ पर चार लोग हो गए वो। रोहित जो है थोड़ा सा वो हुआ इनसिक्योर कि भाई चार लोग कैसे, वही है कि उसने रोकने की कोशिश की होगी, बट उन्होंने कहा होगा कोई बात नहीं ऐसे करके चले गए। अब जब उन्होंने सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकी, तो रोहित को लाइक बहुत डर लगने लगा कि भाई रात का टाइम था वैसे भी। तो रोहित ने बोला कि मुझे जाना है घर ऐसे करके। तो उन्होंने क्या किया कि पिस्तौल निकाली, ठीक है, बंदूक गन जो भी, तो उसको रोहित के सर पे रखा और बोला कि चुपचाप से हमें 10,000 रुपये फ़ोन पे कर दो, ठीक है। तो रोहित फ़ोन पे, अच्छी बात तो ये मैं कहूँगा थी कि रोहित फ़ोन पे यूज़ ही नहीं करता था, वरना उसके अकाउंट में जितने भी थे शायद वो पूरे ही निकाल लेते। तो वो फ़ोन पे यूज़ ही नहीं करता था, उसका मोबाइल चाना रोहित का लिया उन्होंने, फ़ोन पे यूज़ नहीं करता था। तो उसको धमकाया कि अपने फ्रेंड को या किसी को भी बोल के ना हमको 10,000 रुपये करवा दे, ठीक है। तो 10,000 रुपये के लिए कहा, और रोहित ने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऐसे कोई जॉब वगैरह नहीं है उसके पास में, मतलब ऐसी छोटी मोटी जॉब करता होगा। तो उसने कहा कि हम नहीं करवा पाएंगे, लेकिन वही है ना कि डर, उन्होंने बहुत धमकाया और समझ लें आप लोग, तो उसको करना पड़ा मजबूरी में। एक फ्रेंड को उसने कॉल किया, तो उसके फ्रेंड से बात हुई, तो 10,000 तो नहीं करवा पाया वो, तो उसने 5,000 रुपये उनको पे करवाया रोहित ने, ठीक है, करवाना पड़ा रोहित को, ठीक है। तो 10,000 तो नहीं लेकिन 5,000 दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके साथ में बदतमीजी की रोहित के साथ में, फिर उसको गाड़ी से निकाल दिया बाहर की। अगर आइंदा कभी भी गे डेटिंग ऐप को यूज़ करते हुए दिखा तू, या किसी से तूने इस बारे में बोला कि हमने ये किया ऐसा हुआ मेरे साथ में, या पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की, तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ भी, तू जहाँ पे भी मिलेगा ना हमसे गिरफ्तार हुआ, इस तरीके की चीज़ें उसके साथ में हुई, ठीक है। तो वो बंदा जो है रोहित, वो फिलहाल उस जिससे बात हुई मेरी, उसने बोला कि वो उसका मतलब फ्रेंड जो रोहित है वो बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है,
और वो क्या करे बताओ मुझे। मतलब वो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करना चाहता क्योंकि ऑफ कोर्स वो ओपन ही नहीं है फैमिली में, और ऊपर से शादीशुदा है ये होकर लड़की से, तो यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है प्रॉब्लम। तो पहली बात तो अगर आप गे हैं और आप एक लड़की से शादी कर रहे हैं तो ये अपने आप में क्राइम है, और दूसरी चीज़ अगर वो ऐसा कुछ करता भी है तो वही है कि वो ओपन नहीं है और वही सोसाइटी वगैरह, आप समझ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने तो बोला कि कोई बात नहीं, अगर उसको नहीं करना चाहता कंप्लेंट तो कोई बात नहीं, किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, बट वो तो नहीं कर सकता, बट आप लोगों के लिए यही है ये वीडियो बनाने का गोल। मैं चाहता तो उसकी स्टोरी को हटाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ तो हो गया। मैंने तो ये बोला कि कोई बात नहीं, उसको बोलो कि टेंशन नहीं ले, ये लोग कुछ होते हैं जो ऐसे झुंड बना के, ग्रुप्स बना के, मैं कहूँगा ऐसे ब्लैकमेल करते हैं, तो उससे बोल दो कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन का ब्रेक ले, कहीं घूम के आ जाए, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा ना सोचे उस बारे में। खैर मैं तो इतना ही कह सकता था, बट आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग भी ग्राइंडर ब्रूड या कोई भी ग्रेटिंग ऐप यूज़ करते हैं ना, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये पहली चीज़ नहीं है, ऐसे कई केसेस आ चुके हैं। तो वही है कि भाई आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या चीज़ सीखने को मिलती है हमें इससे, कि सबसे पहले चीज़ आप कहीं पे भी मिल रहे हैं किसी भी बंदे से ग्राइंडर के थ्रू या ब्रूड के थ्रू, सारे एक ही ऐप हैं, कोई भी सेफ नेम किसी को सामने वाले को ऐसे जानते नहीं है, तो सबसे पहले तो एक प्लेस ऐसा सेलेक्ट कीजिए जो पूरी तरीके से सेफ हो, कोई मॉल हो गया, कोई वैसी चीज़ हो गई, आप हुकअप के लिए मिलना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, देखिए ओयो वगैरह जो भी है, बट ऐसे जंगल एरिया में प्लीज़ मत जाइए कभी भी, स्पेशली रात में, क्योंकि वो रात में गया था नाइट में, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, जब तक आप सामने वाले को समझ नहीं जाते, मिलिए मत, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और कहीं पे भी मत चले जाइए, एंड आप कोई भी जब मिलने जाते हैं तो फ़ोन वगैरह कोशिश कीजिए कि ना ले जाएं, क्योंकि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो वो आपका फ़ोन भी छीन सकते हैं, या आपके साथ में पैसे भी, मतलब आप लूटपाट वगैरह हो सकती है आपके साथ में, पता नहीं ब्लैकमेलिंग वगैरह, कुल मिलाकर इनका गोल यही होता है कि इनसे पैसे निकलवाए जाएं कैसे भी। तो वही है कि ये आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो खैर आपका इस बारे में क्या राय है, आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके किसी फ्रेंड के साथ में, मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड मेरा ये वाला वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए सारे लोगों से, अपने फ्रेंड से एलजीबीटी के, ताकि ये जो चीज़ रोहित के साथ हुई है ना, काफ़ी लोगों के साथ में होती है, तो उनके साथ भी ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खैर इस वीडियो खत्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए बाय।